Madame ça. कॉमर्स में काम है जी सर। ये काम थे उसके बाद एम कॉम का, इस समय कुछ कर रहे हैं जी सर। आपने एम कॉम वगैरह लिया है उसके बाद आपने बीसीए लिया है सोशल वर्क और बिजनेस जी सर। तो आप एम कॉम इन विषयों में लेने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, पढ़ाई लिखाई तो आपने किया नहीं जी जी जी। एक्चुअली सर जब मैं एम कॉम पास आउट करके जब निकला मैं उस समय छात्रावास में रहा था, तो वहाँ पर जो एक सीनियर्स थे जो थे सीनियर्स वो हमेशा से सिविल प्रिपरेशन हमेशा से लगे, तो वहाँ बराबर रिजल्ट दिया था। उन्होंने कहा कि विषय ले लीजिए, तो कॉमर्स सब्जेक्ट को उन्होंने पहले बोला कि आप लीजिए, लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरा माध्यम हिंदी था, हिंदी माध्यम होने के कारण उस विषय संबंधित जो पुस्तकें थी वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल थे, और लोग भी नहीं थे जो पर्ची जो इस सब्जेक्ट को लेकर के मेरे जो पर्ची थे कि जिनसे मैं संपर्क कर सकूँ या जो समस्या नंबर ज़्यादा मिलता है कि और कुछ नहीं सर। और कुछ विषय कारण मुझे ऐसा लगा कि दिया होगा कि इसमें सिलेबस छोटा है जी सर, और पढ़िए तो इसमें और नंबर अच्छा, मतलब दोनों बातें कहा जी सर। जी सर आप रील्स आंसर शुड बी टू द पॉइंट एंड रियलिस्टिक रियलिस्टिक हिसाब साहब जो तो हम लोग जानते हैं तमाम लड़के ले रहे हैं तो पूछते हैं तो हमको पता है ये, तो आप रियलिस्टिक आंसर दीजिए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है सर। तो आपने सोशल वर्क और डिफेंस लीज दिया है, पानीपत के जितने पानीपत के ही मैदान में क्यों हुई, अगल बगल कहीं और हो सकते थे वहीं क्यों हुए? एक्चुअली सर जो भी बाहरी आक्रमण आते होते थे और उस समय जो वो जो रीजन था पानीपत वाला रीजन जो था वहाँ पे जो भारतीय जो राजाओं और महाराजा का जो वो था, तो सबसे पहले वही आक्रमणकारियों का विरोध करते थे। अच्छा, चीन से भारत को क्या सामरिक चुनौतियाँ हैं इसमें? जी सर, चीन से सर भारत को दो स्तर पे देखा जाए तो एक भौगोलिक स्तर पर जैसे भारत के उत्तरी सीमा को अगर देखा जाए तो एक उस तरफ से समस्या है, और दूसरा सर हिंद महासागर के रास्ते पर दोनों स्तर पर वो भारत को घिरने की कोशिश करता है। आपने जितने पद विज्ञापित हैं उसमें पहला प्रेफरेंस पर किस पद को दिया है? जी सर एसडीएम। तो कोई पद विज्ञापित है नहीं? सॉरी सर डिप्टी कलेक्टर। हैं डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सर उपजिलाधिकारी क्या है। अच्छा, ये बताएं आप कि कॉमर्स में आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते होंगे जी सर, रेशम सलाह के बारे में कुछ सुना है जी सर? क्या है रेशम सलाह? रेशम सलाह सर का कॉन्सेप्ट ये है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलने से बाहर कर देती है। रेशम साहब कौन थे? रेशम साहब सर एक इकोनॉमिक्स के साथ साथ महारानी एलिजाबेथ की सलाहकार भी थे। कैसे सलाहकार थे, मतलब फाइनेंशियल एडवाइज? जी सर। अच्छा, तो मुद्रा ही नहीं अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा का जो संबंध है ये मुद्रा के संबंध में ही नहीं, मनुष्य बुरे लोग अच्छे लोगों को भी तो प्रचलन से बाहर कर देते हैं, है कि नहीं? जी सर। उपभोक्ता की बचत क्या है? सर उपभोक्ता कंज्यूमर सरप्लस सुना? जी सर। क्या है कंज्यूमर सरप्लस के अंतर्गत? सर जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो एक्चुअल पेमेंट देता है और जो एक्चुअल पेमेंट देना चाहता था उसके प्राप्ति के लिए, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। जी सर। आपकी कोई हॉबी है? जी सर। क्या? सर डायरी राइटिंग। सर डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग सर। कल की डायरी में अपने आप क्या बात लिखी है? सर कल कुछ विशेष तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ परसों के समय एक विशेष घटना हुई थी। हालांकि मैं डायरी जो सबसे इधर रिसेंटली जो डायरी एक दिन लिखी थी
होता है। परसों की डेट में हुआ ये सर कि मैं अपने मित्र के साथ था, तो कोई पर्सनल बात अगर न बताना चाहते हो तो न बताइएगा। वो बस सही है, थोड़ा सा सही है। चलिए, आपने डिफेंस लिया हुआ? जी सर। डिफेंस में आप ये बताइए कि डिफेंस और सिक्योरिटी में क्या फ़र्क है? जी सर, रक्षा सर एक पक्षी है। एक पक्षी है? जी सर, रक्षा। और सुरक्षा सर बहुपक्षी है। जैसे पक्षी कौन सी? जी सर, मतलब डायमेंशनल बता रहे हैं या वो बर्ड बता रहे हैं? नहीं सर, डायमेंशनल बता रहा हूँ। जी सर, एक पत्नी, एक पक्षी, वो पक्षी, आप इसको डिफाइन थोड़ा करें। जी सर, आप हमको ये समझिए कि मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। जी सर, आप इस तरह से एक्चुअली सर, सुरक्षा के अंतर्गत सिर्फ एक बिंदु को नहीं फोकस किया जाता है, जिसे समझ सकते, चाहे वो मानव केंद्रित भी हो सकता है, सामाजिक केंद्रित भी हो सकता है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित हो सकता है, पर्यावरण सुरक्षा से भी हो सकता है, और देश की सुरक्षा से भी हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि हथियार, सेना और युद्ध का मैदान, ये सुरक्षा का क्षेत्र है कि नहीं? सुरक्षा का क्षेत्र है सर, बिल्कुल। अच्छा, रक्षा में फिर कौन सा क्षेत्र आएगा? रक्षा जिनके माध्यम से सर, रक्षा एक तरह से देखा तो रक्षा साधन है और सुरक्षा साध्य है सर। प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा सर, इन तीनों का अंतर होता है सर, रक्षा और सुरक्षा की कोई डिफिनेशन बताइए जो सबसे एग्रीड डिफिनेशन हो वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में सबसे मानी जानी परिभाषा हो जिसको सभी लोग मानते हो। कोई परिभाषा आपने पढ़ी होगी, कोई किताब में पढ़ी होगी? नहीं सर, पढ़ी है बिल्कुल सर। किताब आपने कौन सी पढ़ी है सर? किताब सर श्री रजवंत सिंह सर और डॉक्टर श्री डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी सर। अच्छा जी सर, क्या पढ़ा आपने इसमें? एग्जैक्टली तो सर परिभाषा सर, कोई परिभाषा नहीं याद? नहीं, याद नहीं है सर। सुरक्षा का जो उसको डिफाइन तो कर लिया, प्रतिरक्षा को डिफाइन कर लीजिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पढ़ा आपने? जी सर, क्या होता है? सीएम सर के अंतर्गत सर, जो दो देशों के मध्य अगर किसी प्रकार के मनमुटाव होते हैं तो उन मनमुटाव को दूर करने के लिए दोनों देशों द्वारा कूटनीतिक स्तर पर अपने संबंधों में मधुरता लाने के जो प्रयास किए जाते हैं वो सीएम के अंतर्गत आते हैं। इसमें तीन टीयर होते हैं। यस, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड, टीयर थर्ड। टीयर फर्स्ट के अंतर्गत सर राजनीतिक स्तर पे, टीयर फर्स्ट से मतलब आपका? जी सर, वो तीन चरण होते हैं सर। ट्रैक वन से मतलब आपका? जी सर, जी सर, ट्रैक वन, ट्रैक टू, ट्रैक थ्री सर। तो ट्रैक वन के अंतर्गत सर राजनीतिक स्तर पे रिश्तों को मधुर करने की कोशिश की जाती है। ट्रैक टू के अंतर्गत सर बुद्धिजीवियों के द्वारा आपस में बातों को, जो भी मनमुटाव किसी विशेष मुद्दे का, तो उनको क्या क्या उससे समस्याओं का समाधान किस लेवल किया जा सकता है उस पर बात होती है। और टैग थ्री में सर कूटनीतिक लेवल पे, जिसमें खेल हुआ, सांस्कृतिक हुआ, इवेंट कल्चर जो भी चीज़ है माध्यम से पढ़ा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का कोई एग्जांपल दीजिए। जी सर, जैसे अभी रिसेंटली सर भारत और चाइना के मध्य जो मनमुटाव थे डोकलाम के इशू लेकर, तो उसके बाद ये तो लेटेस्ट हुआ ना, मतलब थोड़ा सा देश बताइए कहाँ से शुरू हुआ है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कहाँ से शुरू किया गया? जी सर, वैसे तो द्वितीय युद्ध के बाद पूरे विश्व में एक संस्था बनी जो UNO सेंटर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात हो रही है, वो पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, क्योंकि UNO जो है वो युद्ध रुकवाने वाली संस्था नहीं है, युद्ध करवाने वाली संस्था है। मैं आपको बता रहा हूँ खाड़ी युद्ध के बारे में, सारी दुनिया को बताता है खाड़ी युद्ध होने वाला है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें कुछ नहीं कर सका। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का जो प्लेटफॉर्म है वो SAARC है, यहाँ से शुरू हुआ है। जी, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, SAARC जिसे दक्षेस कहते हैं वो है। थैंक यू सर। अब दक्षेस को कन्वर्ट करके हम किधर जा रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए? दक्षेस को अगर सर कन्वर्ट करते हुए तो हम लोग, क्योंकि दक्षेस आप बताइए सफल हो रहा है या असफल हुआ है सर?
असफल तो नहीं कह सकते पूरी तरह से? नहीं, तो सफल हुआ तो कोई उदाहरण देंगे कैसे सफल हुआ है? जी सर, जैसे दक्षिण के अंतर्गत सर भारत सरकार द्वारा अपने जो भी सदस्य देश हैं सदस्य, तो भारत लीडिंग तो का कॉन्सेप्ट लगता ही है साथ में दक्षिण के अंतर्गत। कोई उपलब्धि दक्षिण की बताइए जी, जैसे एक उपलब्धि बताइए। एक उपलब्धि सर मालदीव में, सर मालदीव में सॉरी मालदीव करें सर श्रीलंका में जो ऑपरेशन ऑपरेशन सर पीस ऑपरेशन पीस जो चलाया गया था श्रीलंका सरकार के द्वारा, कि वो मांग थी उनसे कि आप हम कुछ ऐसे चीज़ चलाइए। वो पीस कीपिंग ऑपरेशन जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो गई हुई थी वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का पार्ट नहीं है फॉर अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन।